दोस्तों, अगर आप भी भारतीय टीम की इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में जीत से खुश हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट में भारतीय टीम की शानदार जीत को देखकर भारतीय खिलाड़ियों की दीवानी हुई भारतीय महिला खिलाड़ी। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आपने। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम को जीत मिली है। इसके बाद भारतीय खिलाड़ियों की तारीफ भारतीय महिला खिलाड़ी करती हुई दिखाई दे रही है। इस दौरान शेफाली वर्मा, स्मृति मंधाना से लेकर हरमनप्रीत कौर, मिताली राज ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार भारतीय टीम की जीत के बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों ने क्या बयान जारी किया तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है इस मैच में भारतीय टीम की जबरदस्त जीत के असली हीरो कौन रहे? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत ने इंग्लैंड के सामने 399 रन का लक्ष्य रखा था। जवाब में इंग्लिश टीम की दूसरी पारी 292 रन पर सिमट गई। आपको बता दें, भारत ने यशस्वी जायसवाल के दोहरे शतक की बदौलत पहली पारी में 396 रन बनाए। इसके जवाब में इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में 253 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारत को पहली पारी में 143 रनों की बढ़त मिली। टीम इंडिया ने दूसरी पारी में गिल के शतक के दम पर 255 रन बनाए और इंग्लैंड के सामने 399 रनों का लक्ष्य रखा। फिर इंग्लिश टीम को 292 पर समेट कर भारत ने मैच अपने नाम किया। इसके बाद भारतीय महिला खिलाड़ियों का बड़ा बयान सामने आया जिसमें शेफाली वर्मा ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में शानदार जीत दर्ज कर ली है जिसको देखकर हर कोई खुश है। मैं काफी ज्यादा खुश हूं कि हमारी भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ पहले मैच में हार के बाद दूसरे मैच में वापसी करते हुए जीत दर्ज की है, जो दर्शाता है कि हमारी टीम के पास काफी ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने इंग्लैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए पहले मैच में जीत हासिल नहीं की, लेकिन अब दूसरे मैच में भारत ने जीत के साथ भारतीय टीम की सभी कमजोरी को छुपा दिया। जिस प्रकार से भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने आज बेहतरीन प्रदर्शन करके दिखाया है, उसे देखकर हर कोई खुशी महसूस कर रहा है। वहीं हरमनप्रीत कौर ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के पास इस समय काफी ज्यादा खतरनाक बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद हैं, जिसके दम पर भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में जीत हासिल की है। और अगर आज के मैच के अंदर भारतीय टीम को जीत नहीं मिलती तो आज शायद इस सीरीज में भारतीय टीम को जीत दर्ज करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि इस मैच के अंदर भारतीय टीम की तरफ से सभी खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन किया और भारतीय टीम को जीत दिलाने की काबिलियत भी भारत ने अपने पास मौजूद रखी थी, जिसके चलते भारतीय टीम को इस मैच में जीत मिली है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम ने आज बेहतर प्रदर्शन कर जीत हासिल की है, जिसके बाद मैं काफी खुश हूं। मुझे लगता है कि अब भारतीय टीम को आगे भी इसी तरीके से बड़ी जीत मिलने वाली है। वहीं मिताली राज ने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के पास इस मैच के अंदर कई बड़े खिलाड़ी नहीं थे, लेकिन फिर भी भारतीय टीम ने इस मैच के अंदर बेहतर प्रदर्शन करते हुए सभी को प्रभावित किया, जो दर्शाता है कि भारतीय टीम के पास इस समय काफी ज्यादा खतरनाक खिलाड़ी मौजूद है और हमारी भारतीय टीम किसी भी परिस्थिति में मैच को अपने नाम करती हुई दिखाई दे सकती है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि हमारी टीम की तरफ से कई युवा खिलाड़ियों ने अपने बेहतर प्रदर्शन के जरिए भारतीय टीम को मजबूती दिलाई है और भारत को जीत दिलाने का काम किया है, जिसके चलते अब हमारी टीम इस सीरीज में वापसी कर चुकी है और अब इस सीरीज के अंदर भारतीय टीम जीत दर्ज करने के लिए आगे बढ़ेगी। वहीं स्मृति मंधाना ने बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम के पास इस मैच में जीत दर्ज करने की काफी बड़ी काबिलियत मौजूद थी। हालांकि भारतीय टीम ने इस मैच के अंदर बेहतर प्रदर्शन किया और आज भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह, रविचंद्रन अश्विन ने बेहतरीन गेंदबाजी की है। इन दोनों की बेहतरीन गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम ने इंग्लैंड की टीम को मैच में जीतने का मौका नहीं दिया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा कि भारतीय टीम की तरफ से आज सभी गेंदबाजों की बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली थी, जिसके चलते भारतीय टीम ने इस मैच के अंदर जीत दर्ज की है और यही कारण है कि भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट के चौथे दिन शानदार जीत मिली है, जिसको जीत के हीरो भारतीय टीम के सभी गेंदबाज रहे हैं। इसमें अश्विन और बुमराह मुख्य हीरो हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने दूसरे टेस्ट मैच में किस खिलाड़ी के दम पर जीत हासिल की है? अपनी राय में नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भारत और इंग्लैंड के बीच दूसरा टेस्ट मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर खेला जा रहा है। इस मुकाबले में टीम इंडिया ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए इंग्लैंड के सामने 396 रनों का विशाल ट्रायल स्कोर दिया था। इस पारी में यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए 209 रन ठोक दिए थे। इसके बाद इंग्लैंड की टीम केवल 253 रनों पर बुमराह की खतरनाक गेंदबाजी की बदौलत ऑल आउट हो गई। फिर टीम इंडिया ने दूसरी पारी में 255 रन बनाकर इंग्लैंड के सामने 399 रनों का विशाल टारगेट रखा। इस पारी में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन शुभमन गिल ने 104 रन बनाए थे। तीसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम ने 14 ओवर में एक विकेट गंवाकर 67 रन बना लिए थे। चौथे दिन का खेल शुरू हुआ तो इंग्लैंड के बल्लेबाज बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। पहले तो भारतीय गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे, अपना विकेट गंवाने का नाम ही नहीं ले रहे थे, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा हैरान और परेशान होकर गेंद फेंकने के लिए अक्षर पटेल को गेंद थमाते हैं। तब उन्होंने इस ओवर की पांचवी गेंद पर पहले रेहान अहमद को पवेलियन का रास्ता दिखाकर विकेट का खाता खोला और फिर उसके बाद रोहित शर्मा ने मास्टर प्लान बनाकर अश्विन से गेंदबाजी कराते हुए 29वें ओवर की दूसरी गेंद पर पहले ओलीपॉप को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वो केवल 23 रन बनाकर पवेलियन गए। उसके बाद अश्विन ने रोकने का नाम ही नहीं लिया। खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए 31वें ओवर की अंतिम गेंद पर अश्विन ने जो रूट को भी पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। रूट केवल 16 रन बनाकर पवेलियन चले गए। इंग्लैंड के चार बल्लेबाज बहुत जल्दी पवेलियन जा चुके थे, लेकिन जैक क्राउली मैदान में टिके हुए थे। लेकिन रोहित शर्मा ने एक बार फिर सबसे अधिक भरोसा जताकर गेंद कुलदीप यादव के
के हाथों में थमाई और उन्होंने अपनी फिरकी का जादू दिखाते हुए क्राउली को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंग्लैंड टीम की कमर ही तोड़ दी। जैक क्राउली 73 रन बनाकर पवेलियन चले गए तो फिर भारतीय गेंदबाज रुकने का नाम नहीं लिए। जसप्रीत बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी कर जॉनी बेयरस्टो को पवेलियन का रास्ता दिखाया। उसके बाद इंग्लैंड की टीम लड़खड़ाती चली गई और भारतीय टीम ने एक के बाद एक कई विकेट निकालकर इस मैच को बड़े ही आसानी से अपने नाम कर लिया। भारतीय टीम की जीत को देखकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी टीम इंडिया का प्रदर्शन देखकर पूरी तरीके से हैरान थे और फिर मोदी जी ने तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए बड़ा ऐलान कर दिया। तो चलिए हम आपको बताते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। जी हाँ दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के विशाखापट्टनम के मैदान पर ऐतिहासिक जीत देखकर तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए कहा कि हमारी टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और शानदार जीत दर्ज की। हमारे पास शुभमन गिल और यशस्वी जायसवाल जैसे खतरनाक युवा बल्लेबाज हैं, उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। तो वहीं जसप्रीत बुमराह और अश्विन जैसे दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं जो कभी भी मैच का रुख पलट देते हैं। साथ ही रोहित शर्मा जैसे कप्तान हैं जो मैच का पासा पलटने में माहिर हैं। मैं इन सभी खिलाड़ियों की जितनी भी तारीफ करूं कम है। इन सभी खिलाड़ियों ने टेस्ट मैच में बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया और टीम इंडिया को जीत दिलाई। इतना ही नहीं, उन्होंने आगे कहा कि मैं इन सभी खिलाड़ी रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, जसप्रीत बुमराह और अश्विन के साथ साथ गिल को मेरी तरफ से बहुत जल्दी कुछ उपहार मिलने वाला है। इन खिलाड़ियों ने कड़ी मेहनत कर टीम इंडिया को जीत दिलाई जिसके लिए वो हकदार हैं। मगर दोस्तों खबर ये आ रही है कि मोदी जी की तरफ से इन सभी खिलाड़ियों को 1-1 करोड़ रुपए की मोटी रकम दी जाएगी। लेकिन आपको क्या लगता है, भारतीय टेस्ट सीरीज 4-1 से अपने नाम कर पाएगा या नहीं, कमेंट में जरूर बताइए। जिसके बाद बुमराह की बढ़िया गेंदबाजी को देख दुनिया भर के दिग्गज गेंदबाजों का बयान सामने आया है, जिसमें जहीर खान ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह ने इस मैच में जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए सभी को प्रभावित किया है। इस मैच के अंदर जसप्रीत बुमराह ने बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बता दिया है कि भारतीय क्रिकेट में इनसे बेहतर तेज गेंदबाज फिलहाल इस समय कोई भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि जसप्रीत बुमराह के पास टेस्ट में काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाजी करने की काबिलियत मौजूद है, जो दर्शाता है कि यह खिलाड़ी आने वाले समय में और भी ज्यादा खतरनाक साबित होगा। ऐसे में जसप्रीत बुमराह के इस मैच में बेहतर प्रदर्शन को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं और मैं चाहता हूं कि ये आगे भी ऐसे प्रदर्शन करें। तो वहीं जेम्स एंडरसन ने बयान देते हुए कहा है कि हमारी इंग्लैंड की टीम के बल्लेबाजों के सामने कोई भी गेंदबाज इतना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता है जितना जसप्रीत बुमराह ने इस मैच के अंदर करके दिखाया है। जसप्रीत बुमराह ने इस मैच के अंदर बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए बता दिया है कि उनसे बेहतर तेज गेंदबाज इस समय टेस्ट क्रिकेट में कोई भी नहीं है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम के काफी ज्यादा मुख्य गेंदबाज पिछले कुछ समय से रहे हैं, लेकिन उन्होंने कुछ खास कमाल नहीं किया है, लेकिन अब उन्होंने पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़नी प्रारंभ कर दी है, जो बताता है कि ये गेंदबाज कितना खतरनाक तेज गेंदबाज है। तो वहीं शोएब अख्तर ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के पास हमेशा से जबरदस्त स्पिन गेंदबाज रहे हैं, लेकिन भारतीय टीम के पास कोई ऐसा तेज गेंदबाज नहीं रहा है जिसने क्रिकेट जगत में पूरी दुनिया में अपने प्रदर्शन के दम पर छाप छोड़ने का कार्य किया है। लेकिन जसप्रीत बुमराह पहली भारतीय गेंदबाज है जिन्होंने सिर्फ अपने घर पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में डंका बजाया है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के पास इस समय कई मेहमान गेंदबाज महान हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह जैसे कार्य किसी और गेंदबाज ने नहीं किया और उनसे बेहतरीन प्रदर्शन को देखकर मैं काफी ज्यादा खुश हूं और चाहता हूं कि वो आगे भी ऐसे ही गेंदबाजी करते रहें। तो वहीं ब्रैटली ने बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम की तरफ से जसप्रीत बुमराह को मैन ऑफ द मैच बनने के बाद मैं काफी ज्यादा खुश हूं, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने वास्तव में एक ऐसा कार्य किया जिसके चलते भारतीय टीम को इस मैच के अंदर जीत मिली है। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि भारतीय टीम के पास काफी ज्यादा बेहतरीन गेंदबाज मौजूद है, लेकिन इतना ज्यादा बेहतर प्रदर्शन करने वाला तेज गेंदबाज भारत के पास पहले मौजूद नहीं था, लेकिन अब जसप्रीत बुमराह ने अपने तूफानी प्रदर्शन के दम पर पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया है, जो दर्शाता है कि यह दिग्गज गेंदबाज टेस्ट क्रिकेट के अंदर अपनी अलग छाप छोड़ने को पैदा हुआ है। तो वहीं लसित मलिंगा ने बयान देते हुए कहा है कि जसप्रीत बुमराह को मैं शुरू से देखता हुआ आया हूं, उन्होंने जिस प्रकार की जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए पूरी दुनिया को अपना दीवाना बनाया था, इस तरीके से एक बार फिर से पूरी दुनिया में अपना डंका बजा दिया। इसके अलावा उन्होंने आगे बयान देते हुए कहा है कि जसप्रीत बुमराह की इस मैच में शानदार गेंदबाजी के चलते भारतीय टीम इस मैच को जीत गई और भारतीय टीम की शानदार जीत के असली हीरो भी जसप्रीत बुमराह ही है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच में भारतीय टीम की जीत के असली हीरो कौन रहे?
अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड के बीच विशाखापट्टनम के मैदान पर दूसरे टेस्ट का चौथे दिन का रोमांच पहुंचा। हालांकि टीम इंडिया जीत के बेहद करीब थी, भारत के कातिलाना गेंदबाजी आक्रमण के सामने इंग्लैंड के क्रिकेट टीम सूखे तिनकों की तरह तहस नहस हो गई। खासतौर पर रविचंद्रन अश्विन ने तो अपनी फिरकी के मायाजाल में इंग्लिश बल्लेबाजों को उनकी नानी याद दिला दी। अश्विन ने के बाद एक तीन सफलताएं हासिल कर अपने एक ऐतिहासिक कीर्तिमान की तरफ कदम बढ़ाना शुरू कर दिया। उन्हें टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेटों का आंकड़ा छूने के लिए केवल एक सफलता चाहिए थी और उन्हें वह हासिल भी हो गई। उन्होंने तो जश्न मनाना भी शुरू कर दिया। लेकिन इस दरमियान बड़े पैमाने पर एक बहुत तगड़ा ड्रामा बीच मैदान में हमें देखने को मिल गया। जी हाँ, इंग्लैंड के टॉम हार्टले ने रिवर्स स्वीप शॉट खेला और स्वीप में भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने उनका कैच लपका। मैदानी अंपायर ने अपनी उंगली उठाने में संकोच नहीं की, जिसकी वजह से टीम इंडिया को एक और सफलता मिल गई। अश्विन ने 500 विकेट पूरे कर लिए, जिसके बाद भारतीय खिलाड़ियों ने उन्हें बधाई देना शुरू भी कर दिया। लेकिन हार्टले ने तुरंत अंपायर के इस फैसले का विरोध किया और इस पर रिव्यू की मांग की। बाद में थर्ड अंपायर ने जब बड़ी स्क्रीन पर देखा तो पता चला कि गेंद हार्टले की बांह पर लगी थी और बल्ले का दूर दूर तक गेंद से कोई संपर्क नहीं हुआ, इसलिए मैदान पर निर्णय को उलटना पड़ा और थर्ड अंपायर ने बल्लेबाज को नॉट आउट करार दे दिया।